आज मैं आपको SST का चैप्टर 2 लैंग्वेज ऑफ मैप्स, इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हम 3 टॉपिक्स लेंगे। फर्स्ट होगा हमारा मैप्स, सेकंड होगा हमारा एडवांटेज ऑफ मैप्स ओवर ग्लोब, थर्ड होगा हमारा टाइप्स ऑफ मैप। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैप्स, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर मीन्स पहले के चैप्टर्स में, पहले के चैप्टर्स में वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्लोब, हमने ग्लोब के बारे में स्टडी की थी। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है। अ मैप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोब, एक मैप ग्लोब से डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है। इट इज़ अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, यह अर्थ के स्मॉल और लार्ज, मतलब छोटे और बड़े एरियाज़ की क्या होती है, एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, प्रस्तुति होती है, मतलब एक पेज पर हम अर्थ के छोटे बड़े एरियाओं को दिखाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में मैप्स वर यूज्ड टू लोकेट प्लेस, मैप्स का जो यूज़ किया जाता था वो किसी भी स्थान पर कि कोई भी जगह कहाँ पर है या फिर किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए किया जाता था। आ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, क्या बताया है कि मैप्स की बुक क्या कहलाती है हमारी, एटलस। अ मैप कैन बी ऑफ अ कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट और सिटी, एक मैप जो है कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट या फिर सिटीज़ का हो सकता है। अनलाइक अ ग्लोब, जबकि ग्लोब ऐसा नहीं होता है, देखिए ग्लोब जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का होता है और जो मैप होता है वो हमको अलग अलग हर चीज़ के बारे में डिफाइन कर सकता है। इट गिव्स मिनट्स डिटेल्स ऑफ अ प्लेस, यह हमको हर स्थान की डिटेल्स को कुछ ही मिनट्स में बता सकता है। इट कैन बी रोल्ड और फोल्डेड एंड कैन बी ईजली कैरिड, यह रोल्ड और फोल्डेड किया जा सकता है, मतलब इसको मोड़ा भी जा सकता है और कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑफ अ फीचर्स लाइक रेनफॉल, वेजिटेशन एंड इवन पॉपुलेशन डेंसिटी, मैप्स जो हैं वो अलग 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 फीचर्स को दिखाने के लिए खींचे जा सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, वेजिटेशन है एंड इवन यहाँ तक कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को भी बता सकता है, मतलब जनसंख्या घनत्व के बारे में भी हमें बता सकता है कि किस जगह पर कितनी जनसंख्या है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अ मैप ओवर ग्लोब, मैप के एडवांटेज ग्लोब से ज़्यादा, कि मैप जो है ग्लोब की अपेक्षा में क्यों यूज़फुल है, आपको यहाँ पे ये बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आ ग्लोब इज़ नॉट कन्वीनियंट टू कैरी अनलाइक अ मैप विच इज़ हैंडी, एक ग्लोब जो है कहीं भी ले जाने के लिए कन्वीनियंट नहीं है, मतलब कि एक सुलभ साधन नहीं है, जबकि जो मैप है उसको हम हाथ में ले जाकर फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं लेकिन ग्लोब को हम नहीं ले जा सकते। सेकंड पॉइंट है, वी कैन मेक अ मैप ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन बट नॉट अ ग्लोब, क्या बोला है कि हम जो है मैप किसी भी पर्टिकुलर रीजन का बना सकते हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र का, लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइनी डिटेल्स कैन नॉट बी सोन ऑन अ ग्लोब विच इज़ यूजफुल ओनली ऑन अ मैप, टाइनी डिटेल्स मीन्स छोटी जानकारियाँ ग्लोब पर हम दिखा नहीं सकते, जबकि मैप में ऐसा पॉसिबल है, मैप में हम दिखा सकते हैं। क्यों, देखिए ग्लोब जो होता है वो वर्ल्ड का होता है, उसमें सिर्फ आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं या ओशियंस देख सकते हैं, लेकिन जो मैप है उसमें आप सिटीज़, कंट्रीज, टाउन्स, स्ट्रीट्स, सब चीज़ें देख सकते हैं आप, इसीलिए हमको ये टाइनी डिटेल्स दिखा सकता है और ग्लोब नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्थ सरफेस एंटायर, सॉरी द अर्थ एंटायर सरफेस कैन नॉट बी सीन एट अ टाइम यूजिंग अ ग्लोब, इसमें क्या बताया कि अर्थ के पूरे सरफेस को ग्लोब का यूज़ करके हम नहीं देख सकते एक बार में, ओनली अ पार्ट कैन बी सीन, इसमें केवल हम एक ही हिस्सा देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि हम दूसरी ओर देखें, अ मैप कैन शो द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एक मैप है वो अर्थ के पूरे सरफेस को दिखा सकता है। हाउएवर, इस प्रकार मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, वो क्या कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त मैप की भी कुछ क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, कैसे, द अर्थ इज़ नॉट स्पैरिकल इन शेप एंड अ मैप कैन नॉट बी ड्रोन इन
दैट फॉर्म, क्या बताया कि जो अर्थ है वो कैसी होती है, स्पैरिकल होती है, मतलब घुमावदार होती है, अपनी स्ट्रक्चर हम देखें तो गोल तो ही होती है वो, लेकिन मैप पर हम ऐसे अर्थ को शो नहीं कर सकते हैं। एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज इम्पॉसिबल टू मेक, क्या बताया है कि मैप पर हम एक एक्यूरेट कर्व्ड फेस नहीं बना सकते, मतलब घुमावदार जैसा उसका होता है हिस्सा वैसा नहीं बना सकते, ये बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैप्स। वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मैप्स टू डिपिक्ट फीचर्स लाइक बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज, प्लेन्स, माउंटेन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी और मिनरल्स डिपॉजिट्स। क्या बताया है कि हमारे जो हम मैप से कई प्रकार से हम मैप्स में अलग अलग फीचर्स को डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं मैप के द्वारा अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फीचर्स को, कि क्या चीज़ किस बारे में बात कर रहा है, हम ये पहचान सकते हैं। जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट एंड कंट्रीज, जैसे कि हमारे देश या फिर राज्यों की बाउंड्रीज हैं, सीमा रेखाएँ हैं, प्लेन्स हैं कि कितने कहाँ तक, किस भाग में कितने प्लेन्स हैं, कितने मैदान हैं, मतलब माउंटेन्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर मिनरल डिपॉजिट है। मिनरल डिपॉजिट मतलब जैसे कॉपर है, सिल्वर है, समझ रहे हैं, गोल्ड है, ये किस 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 जगह पर है, तो किस किस तरीके से हम इसको शो ऑफ कर सकते हैं। मैप देखिए वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली हमको थ्री टाइप के बताए गए हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिक मैप। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप, अ मैप विच डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, देयर कैपिटल्स, मेजर सिटीज ETC इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप। एक मैप जो हमको डिफाइन करता है किस चीज़ के बारे में, कंट्रीज, स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स, मेजर सिटीज़ की बाउंड्रीज को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप नेक्स्ट है हमारा, द फिजिकल मैप्स सो द डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज सच एज द प्लेन्स, माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, सीज, ETC। जो फिजिकल मैप है वो हमें किसकी डिटेल्स बताता है, लैंडफॉर्म्स की एंड वाटर बॉडीज, मतलब कि जमीन की और जल स्रोतों की। जैसे कि प्लेन्स है तो प्लेन्स क्या हमारे मैदान है, माउंटेन्स पर्वत है, तो ये सब हमारे लैंडफॉर्म्स में आ गए, और ओशियंस है, रिवर्स है, सीज है, तो ये क्या है, हमारे वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैंने इसमें आपको मैप भी दिखाए हैं कि पॉलिटिकल मैप कैसा होता है और फिजिकल मैप कैसा होता है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप देखिए, ये हमको बाउंड्री शो करता है, मैंने आपको बताई थी। तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया है, उत्तर प्रदेश की देखिए ये आपको बाउंड्रीज दिखाई गई हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको सर्कल से, ये बाउंड्रीज हैं। तो ये हमको ये चीज़ें किस में बताई जाती हैं, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में आपको लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया है। तो वाटर बॉडीज़ देखिए, बे ऑफ बंगाल ये हमारी वाटर बॉडीज़ में आ रही है, ठीक है। और लैंडफॉर्म्स में देखें तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है अरावलीज़, अरावलीज़ जो है हमारी किस में आ रही हैं, लैंडफॉर्म्स में। नेक्स्ट है हमारा थेमेटिक मैप, नेक्स्ट हेडिंग है थेमेटिक मैप। तो देखिए अ थेमेटिक मैप इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर थीम, जो थेमेटिक मैप है एक पर्टिकुलर थीम पर बनाए जाते हैं। इट मे गिव इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स, ETC। यह हमें किसके बारे में जानकारी देता है, रेनफॉल के बारे में, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या के बारे में, रोड्स के बारे में, रेलवेज के बारे में, मिनरल्स के बारे में और क्रॉप्स मीन्स फसलों के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में हमको जानकारी देता है।